Hello students, I am Madhuri Abhale from Saraswat International Academy. I am teaching Science of Standard 6th. Here we are going to continue chapter number 3, that is Fiber 2, Fabrics part 3. In part 2, everyone knows that we had seen some plant fibers that includes cotton, jute, and again we saw the spinning cotton yarn. In that we got the knowledge about takli and charkha. After that we learn yarn to fabric, and in that weaving method and handloom method we saw. You can see here this lady using handloom method to spun the yarns. Now our next topic is knitting. Now everyone see that in figure 13.14 the wool is here and this lady was knitting this muffler or any shawl or any sweater. So have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn used to make a piece of fabric. So you can see in this diagram, from this wool one single thread is coming out, and with the help of these two strings the lady was woven these sweaters. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? Kabhi socks mein se one pair of torn, that means wo ek jo thread rehta hai usko kabhi kheench ke dekha hai. What happened agar hum log ek dhaga kheenchte hai to uske wajah se सारा जो सॉक्स रहता है वो क्या हो जाता है, लूज होना चालू हो जाता है. सो सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड. दैट मीन्स अगर हम लोग सिंगल यार्न को पुल्ड करते हैं कंटिन्यूअसली तो वो जो पूरा फैब्रिक रहता है वो वन बाय वन क्या हो जाता है, लूज होना चालू हो जाता है. सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नाइटेड फैब्रिक्स. सॉक्स है, देन स्वेटर्स है, मैनी टाइप ऑफ शॉल्स आर देयर, तो वो भी ऐसे ही टाइप के मेथड से नाइट किए जाते हैं. नाइटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स. नाइटिंग मशीन से भी हो सकता है एंड वी कैन ऑल्सो मेड इट बाय अवर हैंड्स. सो इन दिस we learned about knitting, in that a single yarn is included and with that single yarn we can make sweater, shawls, socks. This method is called knitting method. Now here one question arises by Paheli. Let's read this. Paheli wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? Everyone knows that coconut ka jo outer layer rehte hai, jo chote chote yarns jo rehte hai, wo kahan pe kaam aate. To simply agar suppose for making of broom, that means अगर झाड़ू बनाना हो तो ये फाइबर्स जो रहते हैं छोटे छोटे वो क्या करते हैं, काम में आते हैं. अगर हम लोग को मैट प्रिपेयर करना हो, छोटे हो या बड़े मैट्स हो, तो वो ईजीली विद दिस कोकोनट आउटर कवरिंग फाइबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ हैंड और विद द हेल्प ऑफ मशीन इट कैन बी मेड. लेट्स मूव फर्दर. वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज फॉर, दैट मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक के लिए वीविंग एंड नाइटिंग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते. दिस फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम. दिस टू मैथड्स आर यूज टू मेक अ वराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स. नाउ 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग material. That means in history how people were using clothing material. Let's see, have you ever wondered what materials people used in ancient times for cloth? Agar hum log bahut zyada
एशियन टाइम की बात करेंगे तो स्टार्टिंग में पीपल क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ लीव्स वो क्या करते थे, अपने बॉडी को कवर करते थे. इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड द बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देम सेल्व्स. बहुत टाइप के सीरियल्स में या बहुत टाइप के पुराने स्टोरीज में देखा होगा कि बिग लीव्स या तो ट्रीज के बार्क यूज़ करके वो लोग क्या बनाते थे, क्लोथिंग बनाते थे. देन आफ्टर दैट जब हंटिंग होने लगा, आफ्टर हंटिंग वो लोग एनिमल की स्किन भी एज अ क्लोथिंग क्लोथिंग में वो क्या करने लगे, उसको पहनने लगे फॉर कवर देम सेल्फ. आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इन टू मैट्स एंड बास्केट. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई, जैसे जैसे लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में आने लगे, एग्रीकल्चरल वराइटी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कंज्यूम करने लगे, वैसे वैसे वो लोग ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ग्रास एंड विद द हेल्प ऑफ ट्विग्स वो लोग क्या बनाते थे, मैट्स एंड डिफरेंट बास्केट्स बनाते थे. वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स. एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करके वो लोग उसके लंबे लंबे क्या बनाते थे, स्ट्रैंड्स बनाते थे. दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स. फिर उसके बाद उसका क्या बनाते थे, फैब्रिक. द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा. आफ्टर दैट गंगा रिवर के रीजन में जो कॉटन डेवलप होता था, देन धीरे धीरे उन लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, विद द हेल्प ऑफ कॉटन से बने हुए क्लोथ्स पहनना अडॉप्ट किया. फ्लैक्स, फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स. इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. ये जो फ्लैक्स है वो कहाँ पे कल्टिवेट होता था, रिवर नाइल के रीजन में, एंड उसको यूज़ करके वहाँ के लोग क्या बनाते थे, उसका फैब्रिक. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. ड्रैप्ट करना मतलब सिर्फ उसको क्या कर देते थे, लपेट देते थे उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी को हाइड करने के लिए, बिकॉज वो टाइम पे क्या नहीं था, स्टिचिंग मेथड नहीं थी. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड एट दैट टाइम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वो लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग. जैसे अभी आजकल नीडल में थ्रेड को यूज़ करके पीपल लोग एट दैट टाइम स्टिचिंग करना क्या हुआ था, चालू हुआ था. स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन. आफ्टर नीडल के इन्वेंशन के बाद और स्टिचिंग के इन्वेंशन के बाद वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंशन ये फील्ड में क्या होने लगे, इन्वेंट होने लगे. बट इज़ इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ ऑल्सो एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक. अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, इफ़ यू टेक वन एग्जाम्पल लाइक साड़ी, धोती, वो क्या होता है, पूरा एक अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक होता है. जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर अवर कंट्री, अ लार्ज वराइटी ऑफ एग्जिट्स ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम. जैसे अगर हम लोग नॉर्थन साइड पर देखेंगे तो वहाँ की फूड हैबिट्स अलग है, अगर हम लोग साउथ की फूड हैबिट देखेंगे तो वहाँ की अलग है. सेम एज पर फूड पैटर्न आवर क्लोथिंग पैटर्न इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम इन डिफरेंट रीजन्स. नॉर्थ की क्लोथिंग पैटर्न अलग है, साउथ की अलग है, ईस्ट एंड नॉर्थ में अलग अलग क्लोथिंग आइटम्स हमें क्या करने मिलती है, देखने मिलती है. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट कॉटन वूल, व्हाट डू यू मीन बाय फैब्रिक, फाइबर, देन द प्रोसेस ऑफ नाइटिंग, प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड यार्न. सो अल्टीमेटली वी कंक्लूड दिस चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू नीड टू राइट इन योर नोटबुक. लेट्स सी. फॉर
first one is choose the correct alternative from those given below each question, that means MCQ. Number one, jute is a /N-fiber. So everyone knows that jute kahan se milta hai, plant se. So it is a plant fiber. Your options are A, plant, B, animal, C, synthetic, and D, none of these. So your answer is plant. Jute is a plant fiber. Question number two, wool is dash fiber. So wool hume animal se milta hai, sheep hai, yak hai. That is why it is a animal fiber. Your options are plant, B, animal, C, synthetic, and D, none of these. So your answer is B, animal. MCQ number 3, nylon is a /N-fiber. So nylon किससे बनाया जाता है, various types of chemicals को merge करके, that is why nylon is a synthetic fiber. So your option A is natural, B animal, C synthetic, and D none of this. So your answer is synthetic fiber, option C. Let's see question number 4, dash is an animal fiber. Option A jute, B silk, C cotton, D nylon. Let's discuss in detail. See, if we take jute, so jute hume plant product milta hai, plant wala product hai, because with the help of jute plant we are using stems of jute plant, so ye hai plant product. If we talk about silk, we get silk from silkworm. Then yes, silk is an animal fiber. If we talk about cotton, then again cotton is a plant product. If we talk about nylon, then nylon is a synthetic fiber. So here your answer is option B, silk. Question number 5, dash is not a natural fiber. Dash is not a natural fiber. Option A silk, B jute, C wool, and D acrylic. That means in question we had to see the synthetic fiber. See, silk is a, we obtain from silkworm, that means it is a natural. Jute also a natural. Wool again we got from animals, so again it is a natural. But acrylic is a man-made product, that means it is a synthetic fiber. So your answer is acrylic. Let's see question number 6. The process of making yarn from cotton fibers is called dash. The process of making yarn from cotton fiber, that means cotton fiber ko use karke yarn mein convert karna, it is called dash. Option A ginning, B spinning, C weaving, and D stitching. So everyone knows that with the help of spinning, making of yarn from cotton fiber is done. So your answer is spinning. Question number 7, what is the process of making yarn from cotton fiber called? So again these two are same questions, so again the answer is spinning. Let's see question number 8. Which of the following equipments is used for spinning? For spinning purpose, there are two types. One is we can use chakli, and second one is we can use charkha for spinning method, as we had seen earlier. So option A needle, B loom, C charkha, and D cotton gin. So your answer is charkha. Let's see question number 9. What is the use of a hand operated loom? Option A for separating seeds from cotton wool, for making yarn from cotton fiber, for spinning, and for weaving clothes. So everyone knows that for weaving cloth, hand operated loom is used. Question number 10,
With which invention did people start stitching fabric to make clothes? So we can know that answer is sewing needle. After the invention of sewing needle, stitching fabric to make clothes is started. Let's see MCQ number 11. Cotton, jute, silk and wool are dash fibers. So cotton is a plant product, jute also is a plant fiber, silk is a animal fiber and wool also is an animal fiber. That means these all are included in natural fiber. So your answer is option D, natural fiber. Question number 12. Which part of the cotton plant gives us cotton fiber? So everyone knows that we use fruit of this cotton plant to make a cotton fiber. So option A, stem, B, leaf, C, fruit, D, flower. So option C, fruit is your answer. MCQ number 13. Which device is used to make yarn from cotton fiber? So option A, hand loom, B, power loom, C, charkha and D, needle. So the charkha, this device is used to make yarn from cotton fibers. Let's see question number 14. What is the use of hand loom? Option A, to separate cotton seed from cotton balls, to make yarn from fiber. Option C, to make fabric from yarn, and option D, to sew clothes. So answer is option C, to make fabrics from yarn. Let's see question number 15. Which of the following statement is not true for jute? That means the statement should be false. Option A, jute fiber is obtained from the stem of a jute plant. Yes, it is a true statement. Let's see B, the stem of the harvested plant is immersed in water for a few days. Yes, this statement is also true. Option C, the stem rot and the fibers are separated by hand. Yes, this statement is also true. We need to find the false statement. So option D, jute is cultivated during the winter season. No. Everyone knows that jute is cultivated at the time of rainy season. So option D is your answer. Let's see question number 16. What is the correct order of process used in making fabric from fiber? So first we need to ginning, then spinning and then weaving the yarn. So option B is your answer. Let's see MCQ number 17. From which of the following is animal's wool obtained? So from which animal we get wool? Let's see option A, goat, B, sheep, C, camel and D, all of the given. Yes, we get wool from all these three animals. So your answer is all of the given. Thank you. So in this part we had seen different method of yarn to make fiber. In that we go through with handloom method, then knitting method, then we had conclude this with our history of clothing material. In that we saw how people were used to make their clothes from trees bark and leaves. Then when time passes and they depended on agriculture, then they started hunting animals and they use animal fleece, hair to make their clothes. Again we saw with the help of flax. This is again a plant product which gives us natural fiber that cultivated
near the river Nile, and again these people were using these flags for making their clothes. Then in next we saw the invention of needle. With the help of needle, the people started stitching the fabric, and after that the invention goes on in this field, and the variety of dress material or variety of cloth material people were obtained. After that we saw the MCQs. So there are total 17 MCQs. These all MCQs you need to write in your notebook.